और किले छत्तीसगढ़ में आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो विकास से काफी दूर हैं। जंगल झाड़ी पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए लोगों को मूलभूत की सुविधाएं नहीं मिल पाती। शासन की पूरी पूरी योजना भ्रष्टाचारियों के कारण ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं बलरामपुर जिला वाड्रफ नगर विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम गोवर्धनपुर के अगरिया पारा की, जहाँ के ग्रामीण आज भी नाला का गंदा पानी पीने मजबूर है। बरसात के दिनों में नाला में बहने वाला पानी और ज्यादा गंदा हो जाता है, फिर भी यहाँ के लोग गंदा पानी पीने के लिए विवश हैं। कारण है यहाँ ना तो कोई हैंडपंप लगा है ना कहीं कुआं बना है। बड़ी मुश्किल से यहाँ एक हैंडपंप लगाई भी गई थी, वह भी ऐसी जगह पर लगा दी गई जहाँ एक बूंद पानी तक नहीं निकला। चुनाव के समय में लोग बड़े बड़े वादा करते हैं, चुनाव होने के बाद इस गाँव की ओर देखने वाला कोई नहीं होता। इस मामले में वाड्रफ नगर SDM से पत्रकारों ने जब बात किया तो बरसात के बाद वहाँ हैंडपंप लगवाने की बात कही गई है। आज के समय में एक ओर लोग फिल्टर वाला सील बंद पानी पी रहे हैं, जबकि दूसरी ओर वाड्रफ नगर जनपद क्षेत्र के गोवर्धनपुर के ग्रामीण नाला का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। प्रदेश को राज्य बने 22 साल हो चुके हैं, फिर भी यह हाल है। गंदा पानी पीकर के लोग निश्चित तौर पर बीमार पड़ेंगे। क्षेत्र में पिछड़ेपन का असली कारण केवल सरकार ही नहीं है, बल्कि क्षेत्र के छोटे बड़े जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो शासन तक स्थिति के बारे में जानकारियां नहीं पहुंचाते हैं या खुद सक्षम होने के बावजूद भी उचित प्रबंधन नहीं करते। भाई पीने के लिए हम लोग का व्यवस्था नहीं है तो हम लोग नदी से पीवे करते हैं। एक हैंडपंप है तो उसमें पानी नहीं निकलता है, तो इसीलिए हम लोग नदी से सब दिन पीते हैं। बरसात है, सरपंच लोग का कहेंगे भाई देवो नहीं किए, दिए अपने पारा में तो अपने पारा में दिए, हम लोग का पारा में व्यवस्था नहीं है पानी पीने के लिए, तो हम लोग का पारा देवे नहीं किए। हमारे पानी की व्यवस्था नहीं खे तो भाई नदी से हमारे पानी पीती कहे गो साहब सुबह आई तो भाई वो कुछ हो जाएगा कहते हैं सरपंच के बोलती तो सरपंचो कुछ बोलबे नहीं करे, अपन परा भर में बनवाइन और पिया था हमरन के कोई देखते नहीं खे, ऊपरे तो लाश जरे नीचे से हमारे पानी भर के पीती का करी। और बोर देहे खाती तो वहीं तो एकदम दीदी भैया कर ही कि बोट हमके देवे करिया, लेकिन हम पानी का व्यवस्था तो नहीं देखत हमरन के भाई व्यवस्था नहीं है तो नदी ले पी थी हमरे। सरपंच लोग क्या बोलते हैं, नहीं मानते हैं? अपन अपन टोला के देखते हैं, जेकर नहीं है पानी व्यवस्था उके नहीं देखे। आप लोगों के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली है प्रशासन की ओर से उनके लिए या तो बोर या परमानेंट कुआं की व्यवस्था की जाएगी। कब तक हो जाएगी व्यवस्था, बरसात का समय निकल? एक सप्ताह के अंदर में हम लोग प्रयास करेंगे। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।